Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are into chapter of final account for not for profit concern, chapter number 2 in your textbook. We will start with question number 6 from page number 117. So let us start with the question part. Question number 6, accounts of a charitable hospital. So let us read it. From the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. 2020 का information इन्होंने यहाँ पे provide किया और बोल रहे हैं income and expenditure account बनाइए, साथ ही साथ you have to prepare balance sheet, ठीक है? Okay. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. ये जो receipt और payment account है, ये क्या है? It is nothing but our cash book. Nothing but our cash book. ठीक है? अच्छा. Initially, what we do, जो cash book का opening है, ये जो opening balance दिया है, इसको हम क्या करते हैं? Ignore. ठीक है? Next. We have subscription. Subscription will go to income side. Donation. कौन सा donation दिया है? It's general donation. So again, we will put it on income side. Interest on investment. Income. Proceeds from charity show. This is also income. Payment side में जाते हैं. Medicine purchased. Expenses. General expenses. Expenses. Salary. Expenses. Stationery. Expenses, expenses on charity show, expenses, surgery and dispensary expense, expense, equipment, asset, cash in hand, asset, cash at bank, asset. तो बहुत ही सिंपल आइटम्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं. Now, some additional informations are given in the form of opening and closing balance. ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ड्यू. तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 2019 का, उसे हम आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कहेंगे. क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. और ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, क्योंकि ये करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है. तो ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग, करेक्ट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी क्या है? एडवांस और प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. एंड दिस वन इज प्रीपेड और एडवांस ऑफ करंट ईयर. बहुत ही सिंपल तरीके से हमको ये पता चल गया. देन वी हैव स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ये जो स्टॉक है, ये है ओपनिंग स्टॉक, और ये जो स्टॉक है, ये है क्लोजिंग स्टॉक. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, तो स्टार्टिंग में इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था? 15,000. आप चेक कीजिए यहां पर जो इक्विपमेंट दिया है, हमने ये अभी अभी परचेस किया है, ठीक है? यहां पर जो इक्विपमेंट दिया हुआ है, $10,000 का, ये हमने न्यू परचेस किया है. तो जहां जहां पर हमें एडजस्टमेंट दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन परचेस्ड एंड इक्विपमेंट, यहां पर हम स्टार मार्क करके रखेंगे, राइट? सो नेक्स्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, पहले 15,000 था, अब ये क्लोजिंग हमको सर्च करना है. तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है, वो पर्टिकुलर पार्ट हमें सर्च करना है यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग, देन वी हैव कैपिटल फंड. कैपिटल फंड तो ये बैलेंस शीट में स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा. 10% इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें एसेट है, ओके. Provide depreciation on equipment 1,900 and on building 1,500. तो आप समझ सकते हैं इक्विपमेंट जो 15,000 का है, उसमें कुछ परचेसेस भी हैं प्लस डेप्रिशिएशन भी है. तो यहां पर दो आइटम्स पे हमको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है. तो फर्स्ट
जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे वो आपको करना है इक्विपमेंट पे, तो इक्विपमेंट पे और एक स्टार आ जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि बिल्डिंग हमने यहाँ पर कोई न्यू परचेस किया हुआ नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? तो आफ्टर मार्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन पार्ट। So let us start with the solution part. I have drawn over here income and expenditure account and heading is in the books of Radha Krishna Charitable Hospital Pune. You will write or mention name of this particular account as income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Okay. Next, you will also prepare balance sheet for the same date, 31st March 2020. So let us start with the first item in front of us. हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो आइटम हमें दिया था कैश, वो हमें इग्नोर करना है। उसके अलावा यू हैव टू राइट ऑन द इनकम साइड सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो आई विल राइट ओवर हियर बाय सब्सक्रिप्शन अब ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में हमने देखा कि कुछ एडजस्टमेंट पार्ट है। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, 52,000। अब यहाँ पर हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड जो अल्टरनेटिव मेथड है वो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट अप्रोच वाला, क्योंकि यहाँ पर बाइफर्गेशन नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली हमें अमाउंट दिया है 52,000 का, कोई इनर कॉलम नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 52,000 इन इनर कॉलम एंड एज यूजुअल यू विल राइट एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर लेस प्रीपेड of current year add prepaid of previous year and less outstanding of previous year, ठीक है? So like this, you have to maintain this particular thing. After subscription part, what we have donation. Which donations are this? General donation, 17,500. So we will write over here by donation. No adjustments, 17,500 in outer column. Next we have interest on investment, 10,000. So we will write by interest on investment outer column 10,000. Next, proceeds from charity show 8,530. So by proceeds from charity show 8,530. Next, on the payment side, we have medicines purchased and we also have star mark. That means we have to leave some lines for adjustment. On the debit side, medicines purchased 41,000. हमारा यहां मकसद होगा शो करना consumption of medicine, ठीक है? So medicine consumed, you will write
और इतना लिखने के बाद आपको इसको अंडरलाइन करना है, और हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज परचेसेस ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट ऐड एनी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का अगर मेडिसिन का कोई आउटस्टैंडिंग बिल होगा तो वो भी आप कंसिडर करेंगे। एंड देन लीव अ लाइन एंड राइट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो इन दिस वे आपको ये फॉर्मेट रेडी करना है। आफ्टरवर्ड्स जब हम एडजस्टमेंट पार्ट पे जाएंगे तो इसको फिर हम लोग पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेडिसिन का वैल्यू 41,000 है जो हमें परचेस शो करता है। आप ध्यान देंगे ये हमें पेमेंट साइड में दिया है और पेमेंट साइड में लिखा है मेडिसिन परचेस 41,000। तो ये आपको कहाँ लिखना है, परचेसेस में लिखना है, हियर 41,000 इनर कॉलम। ओके, आफ्टर दैट वी हैव जनरल एक्सपेंसेस 1,050, सो वी विल राइट ओवर हियर टू जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सैलरीज 23,500, नो एडजस्टमेंट, सो टू सैलरीज 23,500। नेक्स्ट वी हैव स्टेशनरी 2,000, टू स्टेशनरी 2,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550। हमने बात की थी कि चाहे तो आप यहाँ जो चैरिटी शो से प्रोसीड हुआ उससे लेस भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेपरेटली मेंशन करना है तो सेपरेटली मेंशन भी कर सकते हैं। तो टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 rupees। नेक्स्ट सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200। नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट का पार्ट है, असेट में जाएगा 10,000, सो लेट अस राइट ओवर देयर इक्विपमेंट्स। अच्छा इक्विपमेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो इक्विपमेंट दिया है ना ये न्यू परचेस है, ठीक है ना। तो आपको इक्विपमेंट लेना कहाँ से है, पहले आपको इक्विपमेंट लेना है एडिशनल इंफॉर्मेशन से, मतलब इक्विपमेंट का जो ओपनिंग है दैट इज 15,000, हाउ मच 15,000। तो ये 15,000 पहले आप मेंशन करेंगे, यू विल राइट ओवर हियर 15,000, और इसके बाद इसमें एडिशन हुआ है उसको आप ऐड करेंगे, ऐड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, परचेस ड्यूरिंग द ईयर। इतना ऐड करने के बाद जो भी फिगर आपको मिले उसमें से फिर आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल मेक द फॉर्मेट। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सो वी विल राइट ओवर हियर cash in hand and cash at bank,
960 and 13,000. So we have completed with each and every item of receipt and payment account. It is done. Now we will start with additional information part. So सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे सामने subscription due या outstanding का एक point रखा गया है, जिसमें outstanding of the previous year है 310. ठीक है, तो हम subscription में जाएंगे. Outstanding of previous year we will write 310, minus करना है. Next we have outstanding of the current year as 350. So you will mention over here plus करना है 350 rupees. Similarly next second point है subscription received in advance. एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर, या हम बोल सकते हैं प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर 600. सो यू विल राइट 600, एड करना है. एंड देन प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर इज 150, माइनस करना है प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर एज 150, राइट. और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको फिगर मिलता है 52,490. अच्छा, इसमें से जो करंट ईयर का फिगर है, करंट ईयर का जो भी फिगर है उसका सेकंड इफेक्ट आएगा. तो ये जो फर्स्ट वन हमें दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में हमको पुट करना है. सो यू विल राइट ऑन द एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एक ही आइटम है तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है ना, फिगर कितना है 350. और अगर आपको लिखना है ऑफ करंट ईयर तो आप मेंशन कर सकते हैं करंट ईयर. ठीक है, लाइक दिस. सिमिलरली प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, ये जो 150 का आइटम है ये लायबिलिटी साइड में जाएगा. सो यू विल राइट ओवर हियर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150. ओके, तो इस इन दोनों का जो सेकेंड इफेक्ट प्रोवाइड करना था वो हमने कर दिया. डन विद दी सब्सक्रिप्शन पार्ट. आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर वन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर टू, ये दोनों को ही इफेक्ट दे दिया. इसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग है 11,000. ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखिए हमने यहाँ पर रखा है, ओपनिंग हम लिख देंगे 8,000 और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमें लेस करना है 11,000. यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है, सो वी विल राइट नील फॉर द सेम. इन दोनों का टोटल आ जाता है 49,000 और आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 38,000. तो हमने इस बार जो कंजम्पशन किया है वो 38,000 का है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का मेडिसिन्स का, ये असेट में आ जाएगा. ठीक है, सो यू विल राइट ओवर हियर स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हाउ मच 11,000. So done with third additional information. Number four, estimated value of equipment 15,000. So opening हमने पहले ही लिख दिया था, 15,000 mention कर दिया था. और purchases की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर equipment purchase 10,000 किया हुआ है.
So you will write over here 10,000 और इसका टोटल आ जाएगा 25,000 का, ठीक है। चलिए इक्विपमेंट देख ही रहे हैं तो साइड बाय साइड हम उसका डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं, विच इज 1,900, ठीक है। 1,900 माइनस कर देते हैं, ये फाइनल फिगर आता है। डन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमें इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देना होगा, जैसे हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे उसी तरीके से यहां पर हमें एक्सपेंसेस में शो करना है। सो यू विल राइट ओवर हियर टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करेंगे एंड फर्स्ट यू विल राइट ऑन इक्विपमेंट 1,900, सेकेंड इफेक्ट हो गया। तो इक्विपमेंट डन। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है 40,000 और बिल्डिंग पे आप देख रहे हैं 1,500 का डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं पहले तो बिल्डिंग और उस पर डेप्रिसिएशन है 1,500, दीज टू डेप्रिसिएशन आर देयर। और एसेट साइड में यू विल मेंशन बिल्डिंग तो बिल्डिंग स्टार्टिंग में था कितना, इट वॉज 40,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन 1,500, तो आपको 1,500 इसमें से माइनस करना है। व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 40,000 माइनस 1,500 38,500 एंड ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड सेकेंड इफेक्ट ऑफ द सेम, यहां पर उनका सेकेंड इफेक्ट भी हमने दे दिया है, राइट। सो डन विथ बिल्डिंग पार्ट। सो वी विल टेक द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर हियर, इसका टोटल आता है 3,400, ठीक है। आउटर कॉलम में वी विल मेंशन 3,400। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, तो टू आइटम्स, फर्स्ट वन इज कैपिटल फंड एंड सेकेंड वन इज 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो कैपिटल फंड इज 17,940, वी विल राइट ओवर हियर कैपिटल फंड 1,70,940, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 10% इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,00,000 रुपीज। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, ये उन्होंने ओपनिंग में दिया हुआ है। ओपनिंग देने का मकसद क्या है, जब यहां पर 10% लिखा है दैट मीन्स हिडन एडजस्टमेंट इज देयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट on the asset side as 10% investment, inner column 1,00,000 and you will add interest on it. अच्छा एक बार चेक भी कर लो, क्या ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीट साइड में 10,000 मिल गया। अच्छा मिल गया है तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली राइट इट ऑन दी आउटर कॉलम। अगर वहां पर इंटरेस्ट का रिसीट नहीं लिखा होता तो हम कंसीडर करते हैं कि हमें ये अमाउंट नहीं मिला है। गेटिंग इट एवरीवन, हेलो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर 10% इंटरेस्ट है whether we have received it or not, और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं रिसीट साइड में हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज दिया है और 1,00,000 का 10% ही 10,000 होता है, राइट है। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल दी
posting and adjustment part. Let us try to cast this particular thing. अब हम इसे close करते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल है 88,520 एंड डेबिट साइड टोटल इज अप्रॉक्सीमेट 72,700. ठीक है, तो आप देख सकते हैं विच साइड इज मोर. क्रेडिट साइड इज मोर, तो इसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा और 88,520 में से मुझे माइनस करना है. एंड आई विल गेट द सरप्लस अमाउंट ऑफ 15,820. So we will write to surplus. ये surplus का figure हम लोग capital fund में add कर देंगे. ठीक है, तो यहां पर I will write add surplus आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 1,86,760. ठीक है, 1,86,760. Now check the balance of assets and liability. ₹1,86,910. And asset side is also giving the same balance, 1,86,910. ठीक है, तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ.